आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए और सब कुछ बने। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह। कहाँ के है मनोज? कब दिया था पैसा? करीब एक महीने। कितना पैसा दिया? 2 लाख। आईपीएस बनने के लिए? वर्दी पहन के अभी कहाँ कहाँ जा रहा है? नहीं, वही बोला पहन के आ तू। खुद ही सिलवाई वर्दी, बना दी मनगढ़ंत कहानी। फर्जी आईपीएस मिथिलेश कुमार क्या होगा गिरफ्तार? फर्जी आईपीएस मिथिलेश कुमार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जमुई से सामने आया फर्जी आईपीएस मिथिलेश कुमार बीते दिन से काफी ज्यादा सुर्खियों में है। पुलिस और मीडिया के सामने जितनी भी बातें मिथिलेश कुमार ने बताई थी, ठगी के किस्से सुनाए थे, वो तमाम बातें अब पुलिसिया जांच में फर्जी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मिथिलेश कुमार ने जिस मनोज कुमार को आरोपी बना करके उसका मोबाइल नंबर जमुई पुलिस को सौंपा था, पुलिस ने उस इलाके से कई मनोज कुमार के नाम के इंसान की पहचान फर्जी आईपीएस मिथिलेश कुमार से कराई, जहां मिथिलेश ने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले पर जमुई एसडीपीओ का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एसडीपीओ ने बताया है कि मिथिलेश कुमार की कहानी कई हद तक गलत और झूठी साबित हुई है। क्या कहना है इस पर एसडीपीओ का, वो सुनिए। फर्जी आईपीएस का एक मामला सामने आया था, आज 1 अक्टूबर है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और क्या? देखिए, 20 सितंबर को हम लोगों ने उस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके तहत अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में जो मिथिलेश कुमार हैं, जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कांड के अभियुक्त हैं, उनकी निशानदेही हेतु और अनुसंधान में सहायता हेतु खैरा थाना अंतर्गत जो मनोज सिंह नाम के व्यक्ति, जिनके बारे में उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उस व्यक्ति ने उनके साथ चीटिंग की है, हम लोगों ने अनुसंधानक और थानाध्यक्ष के साथ उस एरिया के सभी मनोज सिंह, लगभग 4 लोग मिले थे हम लोगों को, और उनकी पहचान जो मिथिलेश हैं उनसे करवाई थी। मिथिलेश के द्वारा उन 4ों में से किसी की भी पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की गई है जिससे उन्होंने पैसे देकर फर्जी आईपीएस का ये वर्दी ली थी। साथ ही साथ इस मामले में अग्रेतर अनुसंधान में यह बात पता चली है कि जिस दिन मिथिलेश द्वारा एलिजिडली पैसे का ट्रांजेक्शन की बात बताई जा रही है, उस दिन मिथिलेश का लोकेशन खैरा न होकर लखीसराय है। इस मामले में एक अन्य बात आई है कि मिथिलेश द्वारा जो 2 लाख रुपये हैं वो अपने मामा से लेने की बात हम लोगों को बताई गई थी, परंतु उसके मामा से पुलिस की जो पूछताछ है उसमें उसके मामा द्वारा ऐसे किसी भी 2 लाख रुपये एक मुश्त भुगतान की बात से इनकार किया गया है। मिथिलेश द्वारा पूछताछ के क्रम में 2 नंबर दिए गए थे और बताया गया था कि वे दोनों नंबर मनोज सिंह के हैं। पुलिस द्वारा उन दोनों नंबरों के सत्यापन में वे दोनों नंबर इनएक्टिव पाए गए हैं। इस प्रकार अब तक के जो अनुसंधान हैं उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति मनोज सिंह का के संबंध में किसी भी तरीके का कोई पुलिस को लाभदायक सूत्र नहीं मिल पाया है। तो मतलब कि झूठ बोल रहा है, कि काल्पनिक बातें कर रहा है, और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस को जो अनुसंधान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित करने के लायक जो साक्ष्य होने चाहिए वो अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस परिस्थिति में हम लोग यह मान रहे हैं कि इस घटना में जो बातें मिथिलेश के द्वारा बताई जा रही हैं वो तथ्य से परे हैं। अनुसंधान में हम लोग अग्रेतर जो विधि की अन्य धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो क्या पुलिस मिथिलेश को अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी? देखिए, मिथिलेश को जो धारा 35(3) है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत उसे कार्रवाई करते हुए बंद पत्र पर मुक्त किया गया है, और यदि कांड के अनुसंधान में अग्रेतर आवश्यकता होगी, यदि धारा 35(3) की शर्तों के अधीन यदि उसके द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। क्या माना जाए सर कि अगर पुलिस उसको गिरफ्तार 20 सितंबर को नहीं करती तो कुछ लोगों से ठगी करने के इरादे से, मकसद से इस वर्दी का उपयोग कर रहा था?
देखिए, अभी तक के जो अनुसंधान में जो मिथिलेश के द्वारा जो बातें बताई गई थी वे तथ्य से परे पाई गई हैं, और आप जो चीज़ पूछ रहे हैं वो कल्पना के दायरे में है कि आगे क्या होता, परंतु अभी तक की जो बातें हैं मिथिलेश के द्वारा बताई गई अनुसंधान में वे तथ्य से परे हैं, और पुलिस अग्रेतर अनुसंधान में विधि की अन्य धाराओं के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। क्या सर पुलिस इस दिशा में भी जांच करी है कि आखिर मिथिलेश के पास आईपीएस की वर्दी, टोपी, बेल? अभी तक जो हम लोगों की बात पता चली है, वर्दी का नाप इनके द्वारा स्वयं दिया गया था और वर्दी भी इन्हीं के नाप की बनी बनाई प्रतीत होती है। तो सुना आपने, एसडीपीओ ने बताया कि मिथिलेश कुमार ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है, अब पुलिस इस पर कार्रवाई करने में जुट गई है। फर्जी आईपीएस मिथिलेश कुमार ने पुलिस को जो भी जानकारी दी वो मिलती जुलती नहीं है। अब देखना होगा कि मिथिलेश कुमार की मुश्किलें कितनी बढ़ती है, क्या फर्जी आईपीएस मिथिलेश कुमार अब आगे चलकर गिरफ्तार हो जाएगा। जमुई से राकेश कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।